Good morning, friends. Today we are going to revise grammar part of model test paper number 1, 2, and 3 of English. Right? So let's start from model test paper number first. Grammar part. Question number 5th. First question rearrange the words in a proper order so that they make complete sense. Is the horse, the animal, a faithful? सो so, ये हमारे पास ऑप्शन है हॉर्स इज द इज द अ फेथफुल एनिमल विच इज़ रॉन्ग द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल अ हॉर्स इज द फेथफुल एनिमल अ हॉर्स द फेथफुल फेथफुल इज एनिमल सो ऑप्शन ए एंड डी आर इनकोरेक्ट सो वी हैव टू ऑप्शन सो दोनों ऑप्शन में से हम दोबारा से चेक करेंगे द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल A horse is the faithful animal. So, think about it and tell me which one is the correct option. So, option number B is the correct option. The horse is a faithful animal. Next is fill A and the articles. Dash Chandigarh is a beautiful city. A and the none. So, this koi the option correct. Hai. Means the aiga.

गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गॉड गॉड का गॉडे डी इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें डबल डी और डबल एस है राइट टी फॉर ट्रांजेटिव वर्ब आई फॉर इन ट्रांजेटिव वर्क द पेशेंट डाइड राइट तो इसके साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया सो so ये कौन सा वर्ब है ट्रांजेटिव के इन ट्रांजिटिव सो स्टूडेंट्स जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो इन ट्रांजिटिव तो गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है द पेशेंट डाइड के बाद कुछ भी नहीं है सो इट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स टू एंड टू मेक फॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन सेवंथ अ हंड्रेड किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस हंड्रेड किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस राइट Eight. Complete the proverbs by inserting articles. Dash. Stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine. So, a is the correct option. Ninth. Birds of the same flock, same feather flock together. Birds of the same feather. Right. Tenth. Dash. Burn child red a fire. A burnt child reds the fire, so A is the correct option, right? So next is grammar part from model test paper number two. First, use reflexive pronoun for I have satisfied. can reflexive pronoun myself. I have satisfied myself. So A is the correct option. We enjoyed. डैश वेरी मच यहाँ पे भी हमने रिफ्लैक्सिव प्रणाम यूज करना है वी इंजॉयड आर सेल्फ सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड फिल इन द ब्लैंक बाई यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट जब भी लास्ट नाइट हो तो हमने पास्ट टेंस यूज करना है मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म अरेस्टड सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ द डैश अ पार्टी टमोरो नाइट फ्यूचर टेंस फ्यूचर विल होगा कॉन्टिन्यूस में आई एन जी होगा विल हैव नो विल बी हैविंग यस विल बी हैविंग दे विल बी हैविंग अ पार्टी टमोरो नाइट सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ शी डैश द रेड फोर्ट हैज बी हैज सीन ऑलरेडी हैज ऑलरेडी सीन ऑलरेडी हैज सीन नो शी

सो so, इसकी वर्स में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ की गई है सेकेंड सो सेकेंड फॉर्म के लिए क्या करते हैं डिड प्लस नॉट प्लस वी वन धोनी डिड नॉट कैच कॉट की फर्स्ट फॉर्म कैच द बॉल सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन सेवन चेंज द गिवन सेंटेंस इन क्वेश्चन फॉर्म तो क्वेश्चन फॉर्म और इंटेरोगेटिव दोनों अलग अलग हैं यहाँ हमने क्वेश्चन फॉर्म मीन्स डब्ल्यू को यूज करके जैसे वॉट वेन वेयर होम हूज ये यूज करनी है सो वी गो टू स्कूल ऑन फुट हम बाय फुट स्कूल जाते हैं चलकर स्कूल जाते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या होंगे हाउ डू यू गो टू स्कूल हाउ कैसे जाते हो ये क्वेश्चन फॉर्म है सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एट राइट कंपेरिटिव डिग्री ऑफ फ्यू फ्यू की कंपेरिटिव कौन कौन सी डिग्री होती है थ्री पॉजिटिव फर्स्ट कंपेरेटिव सेकंड सुपरलेटिव थर्ड सो हमने सेकंड की कंपेरेटिव फ्यू की सेकंड डिग्री बतानी है फ्यू फ्यूअर फ्यूएस सो फ्यूअर इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू बी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट नाइन चू सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल टॉल की सुपरलेटिव मीन्स थर्ड टॉल टॉलर टॉलेस्ट सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट टेंथ Change a formative into negative. Open the door. So, do not open the door. So, B is the correct option. Fine. Now, move to model test paper number 3rd and its grammar part. First, take the comparative degree of humble. Humble ka comparative degree. Humble, more humble, most humble. So, B is the correct option. More humble. Second, dearest is the इज़ डैश डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डियरेस्ट कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की डियर डियरर डियरेस्ट सो ये हुई सुपरलेटिव सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन थर्ड चूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ बैटर तो बैटर की पॉजिटिव डिग्री गुड बैटर बेस्ट या ऑल सो गुड होगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट डिग्री बतानी है बैटर की गुड और कंपेरेटिव तो बैटर ही है सुपरलेटि बेस्ट राइट फोर्थ डैश हैज हैप्पन टू हार इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करने व्ट विच हूम सो वॉट हैज हैप्पन टू हार मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन डैश इज नोकिंग द डोर हू इज नोकिंग द डोर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन डैश इज दिस वॉटर बॉटल हूज इज दिस वॉटर बॉटल हूज वाटर बॉटल सो इज़ द करेक्ट ऑप्शन सेवन डैश डू यू विश टू सी डू यू विश टू सी किसको देखना चाहते हो so, किसको मिलना चाहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ गो गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन नाइन्थ द बॉयज व रनिंग फास्ट चूज द एडवाब ऑफ मैनर तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हाउ जब इसका आंसर हाउ के फॉर्म में करोगे कि बॉयज कैसे रनिंग कर रहे हैं फास्ट सो फास्ट इसका एडव होगा राइट मीन्स डी ऑप्शन टेंथ इट इज रेनिंग टूडे तो इसमें आता है एडवाब ऑफ टाइम इन्ज वेन इट इज रेनिंग टूडे जैसे हम क्वेश्चन पुट करेंगे कि कब रेन हो रही है अब आज ही टुडे तो इसका आएगा डी ऑप्शन कि आज रेन हो रही है इट्स रेनिंग टुडे सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ग्रामर पार्ट ऑफ ऑल ऑल द थ्री मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश फाइन ग्रामर so पार्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए फाइन तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्लियर ओके स्टूडेंट थैंक यू